वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। आज की वीडियो जो है वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो हम लेकर आए हैं कि मल्टी लाइन टेक्स्ट को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कैसे कर सकते हैं, स्केल कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, बिगिनर्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आप टाइप करेंगे यहाँ पर MT और मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट ही एंटर करेंगे और यहाँ से क्लिक करके जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आप इससे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑटो कैड स्पेस में, जिस भी वर्जन में काम कर रहा हूँ 2019, और बाहर जैसे ही अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट लिखा आ गया। आप इसे स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो इसकी शॉर्टकट की है ST एंटर स्टाइल के लिए, और यहाँ पर आप टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से आपने आना है न्यू पर, और न्यू पर आने के बाद स्टाइल 1 कोई भी नेम दे सकते हैं। स्टाइल को ओके करेंगे आप, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ से आप बोल्ड टैलिक टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा अप साइड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपने टेक्स्ट लिखना है। इफेक्ट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आपके यहाँ पर शो होंगे। और इसके अलावा मेन जो चीज़ है वो हमारी हाइट है कि टेक्स्ट की हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट की हाइट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तकरीबन 1, और 1 करने के बाद जैसे ही मैं अप्लाई करके क्लोज करूँगा, सारी सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो सारी सेटिंग अप्लाई हो गई। अब आप MT प्रेस करके इंटर करें, और अब आप क्लिक करके ड्रैग करके लिखें तो आपका टेक्स्ट है वो अब जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2019, और उसके बाद बाहर आकर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है उसको स्केल अप कर दिया हमने। और अगेन इसके लिए शॉर्टकट की है, आप टेक्स्ट को SC स्केल के लिए इंटर करें और उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इंटर करें। किस पॉइंट से स्केल करना है वो पॉइंट बताकर जितना मर्जी स्केल अप स्केल डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं इसे यहाँ से स्केल अप करने के बाद आप क्लिक कर दूंगा तो देखें ये स्केल अप हो गया है। इस तरीके से आप मल्टी लाइन टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अगेन तो ये आपका टेक्स्ट एडिट हो जाएगा, और यहाँ से आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप नई लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी टेक्स्ट एडिटर की आपकी पूरी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। इससे भी आप टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करके, पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इसको सेंटर में लाना हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।